बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर टू का लेक्चर वन हम करने जा रहे हैं। ये देखें टॉप पर, टॉप लेफ्ट पर चैप्टर टू लेक्चर वन। चैप्टर टू का नेम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्लास टेंथ में हमने ये चैप्टर एक दफ़ा पहले पढ़ रखा है, और ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं यानी स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वी आर वेल फेमिलियर विद देयर डिफरेंसेस एज वेल। हमने थ्री डिफरेंसेस क्लास टेंथ में आपको इसके बता रखे हैं पहले से, जो कि आप बहुत पहले से जानते हैं और आप मुसलसल लिखते हुए आ रहे हैं। तकरीबन हर पेपर में हम इस किस्म के क्वेश्चंस आपको देते रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें आप। डेफिनेशन वाइज ये स्केलर्स, पहली बात तो ये कि स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी स्केल से मेजर की जा सकती हैं। स्केल किसी भी किस्म का हो सकता है, क्वांटिटी के टाइप के लिहाज से स्केल चेंज होता है। जैसे मास के लिए हम फिज़िकल बैलेंस यूज़ करते हैं, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम घड़ी यूज़ करते हैं, वॉचेस यूज़ होती हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर स्केल या इस टाइप की दूसरी चीज़ें हैं। क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के टाइप के लिहाज से इसका स्केल भी चेंज होता है। वो क्वांटिटी जो किसी स्केल से मेजर हो सकती हैं स्केलर्स होती हैं। और ज़रा बेहतर डेफिनेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो आपके सामने लिखी है, दोज क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय सम नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट आर कॉल्ड स्केलर्स। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक नंबर लिखा गया है, ये नंबर है फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम में 5 जो है एक नंबर है जो कि क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है, मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है, और किलोग्राम यूनिट है, ये क्वांटिटी मास है। मास को 5 kg एक नंबर एक यूनिट से ये ज़ाहिर किया जा सकता है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे एक स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। इसकी स्केलर्स की एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, ये देखें। नंबर वन पर डिस्टेंस है, नंबर टू पर टाइम है, नंबर थ्री पर मास है, नंबर फोर पर वॉल्यूम है, और नंबर फाइव पर स्पीड दी गई है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने स्केलर्स की आपके सामने लिख दी हैं। इसके अलावा हंड्रेड्स और हो सकती हैं जो कि टाइम के टाइम हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं और उन्हें याद करते जाते हैं। इसके बाद बारी है वैक्टर्स की। ये आपके सामने मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है वैक्टर्स की, और ये वेक्टर्स आप पढ़ने हैं। पिछली दफ़ा जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था तो जूम करते हुए वीडियो ऑफ हो गई थी और मुझे ये ज़ाहिर है दोबारा करनी पड़ गई है। तो देखें आप ज़रा सामने वेक्टर, दोज क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय सम नंबर मैग्नीट्यूड कॉमा यूनिट एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर्स और वेक्टर्स में एक मोटा सा डिफरेंस डायरेक्शन का होता है, यानी वो क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन नहीं होती उन्हें स्केलर कहते हैं, और जिनमें होती है उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने लिखा है 5 किलोमीटर ईस्ट, जिसमें 5 एक मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, किलोमीटर यूनिट है, और ईस्ट से मतलब उसकी डायरेक्शन है। तो कोई एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल हो सकती है। आप ज़रा नीचे देखें तो इसकी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, और एग्जांपल्स में आप ये देखें, नंबर वन कौन कौन सी, अच्छा ये बल्ब के सामने मैंने अपना हाथ किया ताकि आपको क्लियर नज़र आए। नंबर वन डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन लगा दी जाए तो इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये एग्जांपल है वेक्टर की। नंबर टू वेट, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ज़मीन के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और सेंटर जो है वो एक डायरेक्शन है, इसलिए वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर थ्री पे एरिया लिखा है, इस चीज़ को खूब वैल्यू दें, एरिया, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लेंथ इनटू ब्रेथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर आता है उसे एरिया कहते हैं, इस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। आज की हद तक इसे याद रख लें कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बड़े बड़े पेपर्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें समटाइम्स एरिया का क्वेश्चन दिया गया होता है। आज से याद करने की कोशिश करें, वॉल्यूम इज़ अ स्केलर, मैंने लेफ्ट साइड पर लिखा है, अगर आप देखें ये इस तरफ, ये नंबर फोर पे लिखा है वॉल्यूम, ये स्केलर होता है, और इस तरफ मैंने नंबर थ्री पे लिखा है एरिया,
एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए कि एरिया अपने सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एरिया तब पूरा नज़र आता है जब आप उसके ठीक सामने आके खड़े होते हैं और सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर आपका आई विजन बनता है तो आपको पूरा एरिया नज़र आता है, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है। नंबर फोर पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन लगा दी जाए तो वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। पांचवी चीज़ है मोमेंटम, और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कई क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ हम ऐड करते हैं इससे आगे जब हम जाते हैं तो एक टॉपिक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बात तो ये, जो डेफिनेशन वाइज हमने क्लास टेंथ में आपको पहले से करवा दिया था, मैं एक लम्हे में बोर्ड ज़रा मिटा दूं फिर आपसे बात करते हैं। देखें, वेक्टर को एक एरो हेडेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें एरो हेड की लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को और एरो हेड का हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। ये वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो क्लास टेंथ में आपको लिखवाया गया है, आपसे इस किस्म के वेक्टर्स भी ड्रॉ करवाए गए होंगे। अच्छा, मैं इसकी डेफिनेशन ज़रा लिख देता हूँ आपके सामने, ये जूम आउट किया है मैंने ताकि लिखते हुए मुझे बोर्ड पूरा नज़र आता रहे। हाँ जी, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। जिन बच्चों को पहले से पता नहीं है, मैं स्पेलिंग्स के सिलसिले में थोड़ा सा डिसलेक्सिक हूँ, स्पेलिंग मुझे खुद से बनाने नहीं आते हैं, मैं याद करता हूँ तो फिर मुझे याद रहते हैं, इसमें लिए मेरे स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उसके पीछे जाहिर है कि एक साइंटिफिक रीज़न है, तो मैं अगर कोई गलती करूं उसे खुद से ठीक कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स के कॉन्सेप्ट्स मेरे पास बिल्कुल ठीक नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, आई सपोज कि मैंने ठीक लिखा है। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय डेफिनेशन, बाय इंट्रोडक्शन इसको हम क्या कह सकते हैं, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन arrow-headed line in which length of the line represents magnitude and head represents डायरेक्शन। अच्छा, ऊपर से अगर मैं पढ़ूं तो क्या आ रहा है, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेडेड लाइन इन विच लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ये है डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। आपने ये डेफिनेशन पहले पूरी लिखनी है कॉपी पर। अब आपके कॉपी वर्क में क्या आएगा, स्केलर्स की पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर नंबर टू स्केलर्स एंड वेक्टर, फिर स्केलर की हेडिंग डालेंगे, स्केलर्स लिखेंगे, उसकी एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर वेक्टर्स लिखेंगे, उसकी एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर तीसरी हेडिंग आपकी बन जाएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। उसमें ये दो तीन लाइन आप लिख लेंगे, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट वेक्टर ए 5 किलोमीटर ईस्ट ऑन योर नोटबुक। ये क्वेश्चन, एक वेक्टर है रिप्रेजेंट, अच्छा ये मैं इसके सामने हाथ कर दिया, रिप्रेजेंट अ वेक्टर ए, वेक्टर के ए के ऊपर मैंने साइन लगाई है एरो की, इसे पढ़ते हैं वेक्टर, तो आप पूरा पढ़ेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, डायरेक्शन इसकी ईस्ट है, ऑन योर नोटबुक आपने रिप्रेजेंट करना है। जब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो सबसे पहले, मैं इसे मिटा दूं थोड़ा सा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा 5 किलोमीटर की लाइन, ये देख रहे हैं वेक्टर, आप ये चीज़ देखें, 5 किलोमीटर की लाइन है
ईस्ट की डायरेक्शन में लगेगी। आपके पेपर की अगर आप लेंथ और विड्थ वगैरह देखें तो 5 किलोमीटर की लाइन उस पर लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे वेक्टर ए 5 किलोमीटर और इसके साथ लिखेंगे ईस्ट, ये हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद आप डायरेक्शनल गाइड बनाएंगे, डायरेक्शनल गाइड या ज्योग्राफिकल गाइड जब आप बनाते हैं इसका मतलब होता है एक वर्टिकल यानी ये वाली लाइन और हॉरिजॉन्टल यानी ये वाली लाइन, ये ड्रॉ करते हैं। बीच में आप लिखते हैं ओ, ओ फॉर ओरिजिन होता है जहाँ से कोई लाइन आगाज करते हैं किसी काम का। ये बनता है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। एन ई डब्ल्यू एस, ये जो पूरा वर्ड है ये बनता है एन ई डब्ल्यू एस यानी न्यूज़। न्यूज़ में भी 4 डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है इसलिए उसे वर्ड न्यूज़ ईजाद किया गया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ए वेक्टर 5 किलोमीटर ईस्ट इसे रिप्रेजेंट करना है पेज के ऊपर। तो पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप स्केल लिखें यहाँ, और स्केल में लिखें। अच्छा, अब ये 5 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है तो मैं फर्स्ट कर लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 किलोमीटर के लिए हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपने स्केल का 0 रखना है इस जगह पर और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये तो ये लाइन कितनी आ जाएगी, इसका नाम मैं रख रहा हूँ ए, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की लाइन कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। स्केल से मेजर करके 5 पर आप यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और एरो पीछे की तरफ ऐसे बना देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे जब लाइन खींची होती है तो एरो यूं बनाते हैं, इससे ये होता है कि असल लाइन तो इतनी है, ये लेंथ में इजाफा हो जाता है इतना, जिसकी वजह से एरर प्रोड्यूस्ड होता है। तो ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ की, एरो हेड ऐसे नहीं ड्रॉ किया जाता। आप लाइन ड्रॉ करेंगे, जब लाइन ड्रॉ होगी तो ये जो जहाँ तक आपने लाइन ड्रॉ की है यहाँ आपने पेन रख के और पीछे खींचना है इसको, ऐसे ये एरो बनता है। तो इस तरह लेंथ में इजाफा नहीं होता और एरर जनरेट नहीं होता। ये है वेक्टर ए, 5 सेंटीमीटर है। अब अगर कोई देखने वाला इसे देखेगा तो सबसे पहले वो यहाँ देखेगा ए वेक्टर है, डायरेक्शन इसकी एरो ईस्ट की तरफ है यानी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। फिर वो स्केल देखेगा 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है तो 5 सेंटीमीटर फिर 5 किलोमीटर के इक्वल होगा, यानी एक वेक्टर ए आपने पेज पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये तरीका है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें, अच्छा ये आप जब लेक्चर नोट कर रहे होंगे तो ये वाला वेक्टर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। फ़र्ज़ करो अब ये दूसरा क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बी, फ़र्ज़ करें कि यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 5 किलोमीटर, इसे आपने 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पर रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट अ वेक्टर बी 5 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑन योर नोटबुक, ये दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे आप पहले लिखेंगे वेक्टर बी 5 किलोमीटर है, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री और आगे इसकी डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसमें आपने क्या करना है कि ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, इनकी डायरेक्शन के बीच में आएगा। यहाँ पे आप रखेंगे प्रोटेक्टर डी रखेंगे, 30 डिग्री पर ये 30 डिग्री आपने लिख दिया, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ये प्रोटेक्टर उठा लेंगे। अब आपके पास एक लाइन आ गई है 30 डिग्री पे जा रही है। स्केल रखेंगे, स्केल का 0 इस जगह पे आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और उस पर मार्क कर देंगे। ये फर्ज कर लें 5 सेंटीमीटर हो गया, आगे की लाइन आपने मिटा दी, इस पर आपने लिख दिया बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे एरो ऐसे ड्रॉ कर दें। ये हो गया वेक्टर बी नॉर्थ ऑफ ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट के नॉर्थ में जा रहा है, 30 डिग्री इसका एंगल है। ये दूसरा वेक्टर ड्रॉ हो गया, ये भी रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, अब आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं पहले देखता हूँ अगर बुक का इमेज इसमें पढ़ा जा सका तो फिर तो यहीं से ठीक है, वरना मैं लिख दूंगा ये क्वेश्चन। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, देखिए पेज नंबर नीचे आ रहा है 49। फाइंड दी
अच्छा ये तो एडिशन का दे दिया, ठहरे इसको, मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ जरा। रिप्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस इन्होंने बुक में आपको नहीं करवाई है, चले मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, आप इन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कीजिएगा अपनी कॉपी पर, और फिर वो जो आप ड्रॉ करेंगे पूरा लेक्चर, उसे आपने गूगल क्लासरूम में मुझसे शेयर कर देना है। तो क्लास वर्क लिखें आप, होमवर्क अपना लिखें, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग। नंबर वन, एक वेक्टर v 50 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी वेक्टर है ये, 50 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट करना है आपने नॉर्थ ईस्ट में। अब इसमें कोई एंगल नहीं है, मैंने नॉर्थ ईस्ट में आपने रिप्रेजेंट करना है। जब दो डायरेक्शंस दी हुई हो और बीच में कोई एंगल ना हो तो अंडरस्टूड होता है कि दोनों डायरेक्शंस के बीच में ये बनेगा, यानी ए 45 डिग्री के एंगल पर, यानी ये डायरेक्शंस बनाते हैं ना। तो अगर मैं देखूं तो ये 90 डिग्री है ईस्ट में और नॉर्थ में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा। तो 45 डिग्री के एंगल पर मैं 50 मीटर्स पर सेकंड की कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। स्केल मेरी चॉइस का हो सकता है, मैं 10 मीटर्स पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले सकता हूं और कुछ और भी ले सकता हूं। ये तो पहला क्वेश्चन है आपका। नंबर टू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 10 किलोमीटर, और ये वेस्ट की तरफ रिप्रेजेंट करें आप। और नंबर थ्री, अच्छा प्रैक्टिस के लिए ज़ाहिर है ये एक आम से क्वेश्चंस हैं, हर बच्चा इनको बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। और एक और वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, चले मोमेंटम भारी चीज़ हो गई, फोर्स वेक्टर मैं लिखता हूँ। फोर्स वेक्टर है 20 न्यूटन्स, और इसे आप 65 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में ड्रॉ कीजिए। ये तीन क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए और ये आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। आपने इसे अपनी गूगल क्लासरूम में सबमिट कर देना है, ठीक है। मैं इसके बाद अगला लेक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को कंटिन्यू करूँगा, फिलहाल मैंने इसको ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के हिसाब से रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखते हैं कि इसका फर्दर और क्या हो सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये है लेक्चर वन ऑफ चैप्टर टू, लेक्चर टू, चैप्टर टू ऑफ, लेक्चर टू ऑफ चैप्टर टू इंशाल्लाह कल मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।